हे दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और देख सकते हो आज मैं कहां पर हूं। आज मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत अपने खेत से कर रहा हूं, बीज खेत से। तो आज काम चल रहा है और हल्का हल्का बारिश भी हो रही है। और आज ना हम इसमें नाइट्रोजन डाल रहे हैं, नाइट्रोजन दूसरी मात्रा नाइट्रोजन का खेत में। ये बाल्टी पर रखा हुआ है नाइट्रोजन, देख सकते हो। तो आज ब्लॉग बनाने का कोई भी विचार नहीं था, लेकिन अचानक से यहाँ पर मन किया खेत पे आने के बाद। तो दिखा देता हूँ करके आप लोगों को। आज देख सकते हो, ये है हमारा खेत। इसमें ना कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, तो ये खेत ना पूरा डूब चुका था। तो एक भी धान कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल मेड़ मेड़ दिख रहा था। तो वही वाला खेत है। और बहुत पहले ब्लॉग बनाया था, यहाँ पर धान बुनाई कर रहे थे, उस टाइम बारिश हो रही थी। बस वही वाला खेत है ये। तो मैं अभी आधा कर लिया हूँ काम, और आधा बचा है। तो चलो काम करते हैं। तो दोस्तों, आज पहली बार मेरा फ़ोन पानी में गिर गया। अभी ये गिर गया था, सच में अभी कीचड़ में गिर गया था। अभी साफ किया हूँ इसको, पता नहीं ख़राब हो जाएगा कैसे कर। पानी वैसे नहीं घुसा ज़्यादा, थोड़ा सा तुरंत उठा लिया ना। तो खेत में आज गिर गया था ब्लॉग बनाते बनाते, फर्स्ट टाइम है। वैसे कई बार पानी में बनाया हूँ ब्लॉग, लेकिन नहीं गिरा। और आज पता नहीं कैसे गिर गया। तो चलो इसको डालते हैं। ये खाद आधा बचा है इसमें बाल्टी में, तो इसको कुछ इस तरह से डालते हैं हम लोग। ट्राइपॉड नहीं लाया है ना, तो ब्लॉग बनाते नहीं बन रहा है। दिख रहा होगा कैमरे में। तो दोस्तों चलो ठीक है, काम करने के बाद, इस बाल्टी को ख़त्म करने के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। तो होता है कभी कभी, अभी तो चल रहा है, पता नहीं बाद में अगर ख़राब हो गए तो कह नहीं सकते। तो अभी मैं ख़त्म कर दिया हूँ इसको, मैं जा रहा हूँ और खाद लेने के लिए। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ट्राइपॉड रहता है ना, तो उतना दिक्कत नहीं होता, गिरने का मतलब खतरा नहीं रहता। हाथ से कभी कभी होता है, छूट जाता है फ़ोन। तो ये है अपना किसान यूरिया, इसमें और भी मिक्स है, फास्फोरस फटेरा वगैरह मिक्स करके लाया हूँ घर से। इसको बाल्टी में डालेंगे अभी, उसके बाद मोटा वाला ये दानेदार मोटा वाला यूरिया है। और यहाँ पर है अपना बाइक, इधर रास्ता नहीं है, इधर ना बहुत मुश्किल से आया हूँ, रास्ता नहीं था, छोटा सा रास्ता है उधर से आया मैं, मतलब बाइक को लाते नहीं मर रहा था, तो बड़ी मुश्किल से आया मैं। और एक बोरा भी लोड था यूरिया का। तो चलो ठीक है, आप लोगों को बाद में मिलते हैं, अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ता जा रहा है। अभी बचा है, थोड़ा सा बचा है, बस दो बाल्टी और होगा। और फोन को बारिश से बचाने के लिए मैं बाल्टी को ढका हुआ हूँ उस पर। तो गाइस, अभी बारिश तो रुक गई है और मैं जा रहा हूँ घर। और लगभग अभी 12:15 बज रहे हैं। और रास्ता देख रहे हो, दिखाऊँ उधर से? दिखाता हूँ, ये देखो रास्ता, यहाँ पर नाला है। तो नाले को क्रॉस करना है मुझे बाइक से। आधे टाइम उधर से आया, इस मेड़ से आया, अभी मेरे को इसमें पार करना है। नहीं बनेगा, फिर भी ट्राई करते हैं। चलो, ब्लॉग बनाते तो नहीं बन रहे। और गाइस, फंस गया नाले में, फंस गया यार। तो नाले में फंस गया मैं, और उधर चढ़ना पड़ेगा। तो फोन ब्लॉग बनाते नहीं बन रहा, इसको बंद कर रहा। तो कड़ी मशक्कत के बाद अभी नाला क्रॉस किए भाई। तो चलो चलते हैं। आज हमारे घर बाहर कौन?
नंदा अवनीरा। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम देखो इधर से काला बादल आ रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज दिन भर हल्की हल्की बारिश हो रही है और देख सकते हो चारों तरफ हरियाली हरियाली और हवा चल रहा है। आज दिन भर हवा चल रहा है हल्का हल्का। बारिश के बाद ना नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं देख सकते हो। तो चलो चलते हैं नीचे तरफ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। हेमन की वीडियो बनाते हैं पता नहीं है। साग नहीं है साग है नून सिखाता चटनी तो पीछे मग्गा मैंने कहाँ के रह सके कहाँ थी किसे अंधार दिखा देती लाइट नहीं है लाइट कैसे कर दस चूड़ी पहनता था ये चूड़ी का चूड़ी ये पैसा मैंने हम इधे 500 के नोट इधे वही मैंने कह रहा था। अच्छा पैसा तो खोज खोज था कर दूँ कैसे लगे खाया नहीं सकते तो नीरा के मकर जा। तो गाइस अभी मैं जा रहा था नहाने तो बहुत दिनों से गाड़ी को धोया नहीं था मैं तो लगभग 1 साल से धोया नहीं था तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। अभी बरसात का टाइम है तो पूरा गंदा हो गया था गाड़ी। तो मैं गाड़ी को अपना अभी धो रहा हूँ। यहाँ पर नाला है इधर पहाड़ है पीछे पहाड़ दिख रहा होगा पहाड़ का पानी नीचे उतर रहा है तो यहीं पर धो रहा हूँ मैं अपना बाइक को देख सकते हो। इधर छोटा सा तालाब भी है अरे यार कपड़ा छोटा कपड़ा था उसको कहाँ रख दिया मैं यहाँ पर रखा है। ये मेरा पैंट पुराना पैंट का है उसी का यूज कर रहे हैं धोने के लिए। तो बरसात के टाइम पे कहीं पर भी पानी मिल जाता है धोने के लिए पूरा चकाचक धोएंगे इसको नया बनाएंगे। पूरा गंदा हो गया था तो पुराना टाइप का दिख रहा था एकदम पुराना ही है। लगभग 3 साल हो गए हैं बाइक को अपना। यहाँ पर स्टीकर है देख सकते हो बजरंगबली का और ये अपना चैनल आईडी दिख रहा होगा। लोकल वाला लगा दिया यार उखड़ रहा है। तो चलो ठीक है धोने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी लग रहा है नया जैसा नया तो नहीं है पुराना ही है लेकिन पर हाँ मतलब धोने के बाद अच्छा दिख रहा है ना। तो अभी मैं डैम के पास हूँ डैम नहाने आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नहाऊँगा मैं पीछे साइड अभी। तो अभी मैं यहाँ हूँ मतलब डैम के ऊपर साइड पहाड़ किनारे इधर पहाड़ दिख रहा होगा पीछे। बस ऐसे ही घूमने आया था मन किया घूमने का। और इधर ना नाला है छोटा सा नाला है इधर दिख रहा होगा। तो पहाड़ दिख रहा है पहाड़ का सारा पानी ना इसी नाले से आता है। तो पानी गिरने के बाद लगभग 5 से 6 दिन तक ना इतना दिख रहा है ना उतना ही पानी आता रहता है। तो उतरते हैं नीचे ये देखो आधा पानी डैम में जा रहा है और आधा पानी इस नाले की मदद से गांव से बाहर बड़े वाले नाले में जाएगा। ये सारा पानी यहाँ से होकर उधर डैम दिख रहा है आगे साइड उधर जा रहा है। ये पेड़ देख रहे हैं ये पेड़ ये इसको हम लोग महानीम का पेड़ बोलते हैं महानीम। ये ना बहुत तेज़ी से बड़ा होता है ये देखो बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। और एक पेड़ है बांस बांस भी बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। तो गाइस देखो बरसात के बाद कैसा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर नहाऊँगा यहाँ पर अपना बाइक यहाँ पर खड़ा कर दिया हूँ और अभी नीचे जाऊँगा और नहाऊँगा ठीक है। तो इधर का नज़ारा पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है ना सब तरफ हरियाली ही हरियाली देख सकते हो पूरा डैम का नज़ारा। ओ भाई इस पौधे से बच के रहना ये खुजली वाला पौधा है इसके पत्ते में ना खुजली होता है अगर टच हो गया गलती से ना तो बहुत ज़्यादा खुजली होता है। इसको अच्छे से पहचान लेना और बच के रहना भाई।
हमारे डैम के चारों तरफ सब तरफ है, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। तो यहाँ पर नहाएंगे मस्त। अभी अभी काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को भी, बरसात के टाइम पे ना इसमें पानी भरने के बाद मज़ा आता है मेरे को नहाने में। यहाँ पर देख सकते हो पूरा मस्त लग रहा है एकदम, पानी सब तरफ और ज़्यादा भरता है थोड़ा सा। और उधर पेड़ झाड़ दिख रहा है वो छोटा सा, वहाँ तक पूरा चढ़ जाएगा पानी। अभी और पानी गिरेगा उसके बाद और हम लोग उधर पार हो जाते हैं तैरते तैरते, मज़ा आता है। अभी बच्चे लोग नहीं हैं, लड़के लोग आएंगे ना तो हम लोग उधर। अगले साल वीडियो बनाए थे उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के ऊपर से ना हम लोग जंप कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, मज़ा आता है। मतलब उस पेड़ के ऊपर से जंप करते हैं तो मज़ा आता है। सब बच्चे लोग अभी नहीं आए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो नहाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो चलो नहा लिए और मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है ना। तो चलो मैं जा रहा हूँ घर तरफ।